We are very happy about it. He congratulated all of us and said that he would like to come and personally congratulate each one of us. And what is your next goal, sir? Because no one need to come out. It will come out and we'll take a decision today. We'll take a decision today. About the health of the rovers? Not only coming out, what time it will come out, we'll decide today. What is the next mission, sir, of the ISRO? Next mission is Aditya L1 mission. That is getting ready at Sriharikota. Chandrayaan 3 ki safal landing ke liye, is mission se jude desh ke sabhi vaigyanikon ko, desh ki janta ko, hardik badhai. देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुदेव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। बधाई देता हूँ। ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है। और वी आर रियली एक्साइटेड टू सी दिस द ग्रैंड सक्सेस एंड फॉर दिस सक्सेस वी हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट 4 ईयर्स एंड दिस सक्सेस इज अ स्वीट न्यूज फॉर अस एंड नॉट ओनली फॉर अस फॉर द एंटायर नेशन। द नेशन इज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट एंड नाउ इट इज हैपेंड successfully. I'm extremely happy that it's happened and successfully, and I would say that congratulations to the whole Indian people for the wonderful success of this Chandrayaan 3 mission. Also, the government was very much keen with you, sir. They were supporting in every moment of time. Yes, definitely the government is with us and they are supporting, and they also will be very, very happy to see this happy moment. Now the countries like US and Russia and many other such space agent biggest countries which we call, sir, they are also very keen, seems, sir, that to contact and have in touch with you after we are successful in the Chandrayaan 3. Definitely, because this Chandrayaan 3, science data, it is not only for India, it is for the global scientists.
So this data that the scientists will be using globally, and they will discover some new things from this data. That way it is interest for the entire global interest is there. देखिए, मैं समझता हूँ 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में सोने अक्षरों में लिखा जाएगा. अंग्रेजी में फिगरेटिवली हम कहते थे wanting to reach the moon. अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा sky is the limit. देखिए कहाँ ये यात्रा शुरू हुई और कहाँ भारत दुनिया विश्वभर में पहला देश है which has done a successful landing on the south pole. पहला देश. कुछ और भी देशों ने मून लैंडिंग की है और स्थान पे. सो ये हमारे ह्यूमन टैलेंट जो है भारत में, देखिए हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन जो है. मुझे याद है मैं जब विदेश मंत्रालय में बहुत वर्ष पहले आई वॉज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी, उस समय हमारे स्पेस प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे, हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे. आज आपने ये साबित कर दिया कि भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ, पहला देश है भारत जिसने साउथ पोल पे मून लैंडिंग किया. इसके कई बेनिफिट्स होंगे. देखिए अभी तो हमें इस पूरे इवेंट की अभी हमें पूरी समझ नहीं है. वहां पे मिनरल्स, हीलियम और जो मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, उसके अलावा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब बच्चे छोटे होते थे और चंदा मामा की बात करते थे, अब आप स्पेस टूरिज्म की भी बात करना शुरू कर सकते हैं. और इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इसरो ने जो किया है और हमारे वैज्ञानिकों ने जो किया है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया विकसित देश तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था 2047 में, पर आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन के साथ और जैसे उन्होंने कहा फ्रॉम एवरी हार्ट, हार्ट वार्मिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर साइंटिस्ट, टू दोज हु हैव मेड इट पॉसिबल. और मैं समझता हूं भारत के सब नागरिकों ने, 140 करोड़ लोगों के लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग. और मैं समझता हूं हमारे मेरे इतिहास में तो ऐसी मेरी जिंदगी में बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जहां पे हमें सबको वी आर फीलिंग दिस लेवल ऑफ प्राइड एंड जॉय. आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर एवरी इंडियन. 1.4 बिलियन इंडियंस टुडे हैव फॉर द लास्ट फ्यू डेज वेटेड विद एंटिसिपेशन, हैव प्रेड फर्वेंटली फॉर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3. And I am deeply proud as an Indian. I am deeply proud to be part of Prime Minister Narendra Modi ji's government that has, in a sense, encouraged and inspired the team at ISRO to do what they have done today. My best wishes, because today India has gone to the moon, landed in an area where no other country in the world has ever landed, and it is truly an inspiring day for every Indian. And I hope this will serve as a beacon of inspiration for even going further and more forward. So congratulations ISRO, congratulations to every scientist, and congratulations today to every Indian who has watched the landing. Bharat ki vaigyanikon ne ghanta baja diya, Bharat ki vaigyanik ke liye anokha upalabdhi kiya. Chandrayaan amrut kaal mein ek anokha upalabdhi hai. Sahi kaha mananiya pradhanmantri ji ne, vaigyanikon ki is apeksha India is our moon. Channa mama hamare ho gaye hain और दूर के नहीं रहे, ये आज बड़ा सपना साकार हुआ. वैज्ञानिकों को अनेक अनेक बधाई देता हूँ. मान्यताएं परमात्मा तक जा रही थी, हमारे वैज्ञानिकों का ये प्रयोग सफल हुआ है. ऐ मेरे भारतवर्ष, आपको अनंत बधाई. ये आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए. हम सब का जो सीना है चौड़ा हो चुका है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ तमाम साइंटिस्ट को, इसरो की पूरी टीम को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिनके नेतृत्व में ये हुआ है. बहुत बहुत बधाई सबको. जय हिंद. सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट.